धन्यवाद अध्यक्षा महोदय, आपने कल मेरे ऊपर जो हमला हुआ उसके बारे में सदन को जानकारी देने के लिए और न्याय की अपेक्षा इस सदन से करने के लिए मुझे आपने इस जगह बोलने का मौका दिया। अध्यक्षा जी, कल मैं धुले शहर से डीपीसी की मीटिंग ख़त्म करके मेरे कार में जब मैं आ रही थी तो कुछ 200-300 लोग मेरी गाड़ी के ऊपर आके गाड़ी की तोड़फोड़ करनी शुरू की। गाड़ी का आगे का शीशा जिस जहां मैं बैठी थी वो शीशे को पैर से तोड़कर मुझे मारने की कोशिश की और मेरी गाड़ी के चारों ओर सभी लोग आके मेरी गाड़ी को पलटाने की भी कोशिश की। और मैडम, ये जब हो रहा था तो वहाँ केवल 4 पुलिस कांस्टेबल थे और उन्होंने ये रोकने की बिल्कुल कोशिश की नहीं, उल्टा वो वहाँ खड़े होके सारा तमाशा देख रहे थे। जब मेरी गाड़ी पलट रही है ऐसा कुछ लोगों ने देखा, कुछ हमारे कार्यकर्ता वहाँ खड़े थे, उन्होंने आके मुझे गाड़ी से खींचा। अगर मैं गाड़ी से नहीं उतरती मैडम तो शायद मैं वो गाड़ी के नीचे, मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। और अध्यक्षा जी, जब ये चीज़ की मैंने कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की तो वहाँ जो भी लोग थे उनको, कुछ 15-20 लोगों को पुलिस ने कस्टडी में लिया हुआ था, वो उस केस का FIR रजिस्टर हुआ। FIR रजिस्टर होने के बाद उन 15-20 लोगों को छोड़ दिया, उनको अरेस्ट करने के बजाय उनको छोड़ दिया। और बार बार पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसमें इंक्वायरी करेंगे। मैडम, उस DPC की मीटिंग में अनेक MLAs आए थे, अलग अलग समाज के थे, और मैं एक आदिवासी महिला उस जगह जब मैं गई तो केवल मेरी गाड़ी पे ये हमला हुआ। मेरे गाड़ी के आगे 5 मिनट पहले एक वहाँ के MLA की गाड़ी गई, उनकी गाड़ी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और मैडम, मैंने जब पुलिस डिपार्टमेंट को कहा कि क्योंकि यहाँ पे इतने अलग अलग समाज के सभी लोग आए हैं, मैं एक आदिवासी समाज की महिला सांसद हूँ और केवल मेरी गाड़ी पे इस प्रकार से अगर हमला हो रहा है तो आप इसमें एट्रोसिटी के तहत भी ऑफेंस रजिस्टर करें, लेकिन एट्रोसिटी के अंदर ऑफेंस नहीं रजिस्टर किया। मैम, मैं आपको कुछ यहाँ पे और सदन को भी ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं जब गाड़ी में थी और गाड़ी के ऊपर लोग चढ़ के सारी तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद जब मैं गाड़ी से उतरी उसके बाद किस तरह से पूरी गाड़ी कुचलने की कोशिश की। और मैडम, जिस व्यक्ति ने ये सारा कृत्य किया है उस व्यक्ति को 2 घंटे के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने छोड़ दिया। उस व्यक्ति को इस तरह से हार पहना के, उसका जैसे कोई बहुत बड़ा अच्छा काम किया हो, इस तरह से धुले शहर में जुलूस निकाला गया। मैडम, मैं एक महिला हूँ, एक आदिवासी समाज की महिला हूँ, और आज अगर हमारे राज्य में अगर पुलिस डिपार्टमेंट महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के बजाय इन क्रिमिनल लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा होगा, तो मैडम मैं आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से ये मांग करती हूँ कि इन लोगों को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और वहाँ के जो SP है उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हो। और मैडम, इस सारे इंसिडेंट में एट्रोसिटी का ऑफेंस भी रजिस्टर किया जाए। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।